और कैसे हैं अमृत जी? ठीक है? हाउ आर यू अमृत जी? अमृत जी कैसे हैं? आवाज आ रही है अमृत जी? हेलो अमृत जी, आवाज आ रही है? हेलो और आकाश जी ठीक हैं? हाँ, यस सर, ठीक हूँ। आप ठीक है ना? तो बहुत अच्छा साइन। वहां पे साइक्लोन आ गया था, वो हम सुन रहे थे न्यूज में, वो बहुत दुख हो रहा था, वो साइक्लोन का जो है। बहुत 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 सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा। बारिश वारिश बहुत हुई, 2 दिन, तीन दिन लगातार। 3 दिन लगातार वहां साइक्लोन आ गई थी? नहीं, हाँ, पूरा बाढ़ बाढ़ भी आ चुका है इधर। पूरा बाढ़ आ गया है? नहीं, हाँ, इस जहाँ पे हम रहते हैं इस इलाका में नहीं आया, बट आसपास और इलाका में आ गया। अच्छा, तो बहुत तबाही मचा रहा है। तो चलिए, आज हम लोग इंग्लिश को आसान तरीके से सीखने के लिए, इंग्लिश कैसे आसान तरीके से सीखा जाए, वो हम लोग नेमिंग वर्ड्स पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप और कलर, ये आपको डिस्क्राइब करना, आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का आपको कहलाते हैं। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द शेप, शेप को डिस्क्राइब कीजिए किस तरह का शेप है, साइज को डिस्क्राइब कीजिए आप बड़ा है छोटा है आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, कलर को डिस्क्राइब कीजिए, टेक्सचर को डिस्क्राइब कीजिए, ये जो है आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको कहलाता है ना। टेक्सचर को, नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करना, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है आपको कहलाता है। जैसे आपको यहां पर आपको दिया है, हैमर को 3 तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये जो फिटिंग शॉप में या जो आपका हैमर है ना, वो आपको 3 तरह का, देखिए आपको हैमर भी यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, आपको फिटिंग शॉप का। ये देखिए बॉल बना हुआ है ऊपर में, ये आपको बॉल पिन हैमर है, ये पिन जो है ना ऊपर, ये आपको बॉल बना हुआ है, ये आपको बॉल पिन हैमर है। नीचे बिल्कुल तीनों हैमर का सेम है। ये आपको, ये जो हैमर है ये आपको स्ट्रेट पिन है, इसलिए इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं, और इसका आपको क्रॉस है, क्रॉस में आपको देते हैं तो इसीलिए आपको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। इसका जो हैंडल के साथ में स्ट्रेट रहता है इसीलिए आपको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं, ये आपको क्रॉस पिन, आपको हैंडल के परपेंडिकुलर रहता है इसीलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्रॉस पिन, बॉल पिन, स्ट्रेट पिन, ये आपको आपको बताता है कि किस तरह का है। तो ये हेलमेट आपका येलो तरह का है इसलिए इसको बोलते हैं येलो हेलमेट, है ना। एडजेक्टिव में कलर किस तरह का है, ये आपको एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको एडजेक्टिव है। कलर किस तरह का है वो आपको बताना है, शेप किस तरह का है वो आपको बताना है, राउंड एंड स्क्वायर किस तरह का है वो आपको बताना है, साइज आपको किस तरह का है, स्मॉल है मीडियम है वो आपको बताना है, क्वांटिटी
कितना है सेंटीमीटर ग्राम में वो आपको बताना है, आपको फिल शार्प स्मूथ ये आपको बताना है, साउंड आपको लो और हाई है, ये एडजेक्टिव है, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, दी आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना। तो ये आपको जानना आसानी है, जैसे अंडरलाइन में आपको दिया हुआ है, जो जो अंडरलाइन यहाँ किया हुआ ना वो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में आपको जानने के लिए दिया हुआ है। शार्प टूल्स है ना, शार्प टूल से है ना, रिफ्लेक्टिव जैकेट। शार्प टूल क्या होता है सर? टूल जो है ना वो शार्प रहेगा तो उसको शार्प टूल्स बोलते हैं। शार्प मीनिंग सर तेज, तेज धार, धार धार जो बोलते हैं, धार धार को सर बोलते हैं। हाँ हाँ, जो मतलब जो टूल है, टूल में जो है आपको काफी नुकीला है तो शार्प उसको बोलते हैं, शार्प टूल बोलते हैं है ना। तो आपको यहाँ पर दिखा हुआ है सेफ्टी साइंस, ये सारे आपको सेफ्टी साइंस आपको यहाँ पर आपको दिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक का आपको शॉक को डिस्क्राइब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल है साइंस आपको जो भी है वो सेफ्टी साइंस है। ये जो फ्लोर है आपको वेट फ्लोर है तो रिफ्लेक्टिव जैकेट है ना। तो ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो आपको नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब आपको करता है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसमें आप डिस्क्राइबिंग वर्ड से आपको यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपको बहुत ही अच्छा, आपको ये जो आपको बुकलेट है बहुत ही अच्छा है, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, स्मॉल की बिग, बिग की स्मॉल, राउंड की स्क्वायर, देखिए ब्लू की व्हाइट, मेनी की वन, स्मूथ की ब्रोकन, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है। तो यहां पर से आप इसको फुलअप करना है। ही पुट द प्लग इन द सॉकेट, किस तरह का पॉकेट प्लग इसने सॉकेट में दिया, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपको बहुत ही अच्छा, आपको यहाँ पर आपको जो है ये आपको बुकलेट, इसमें आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। द प्लम्बर हैज फिक्स्ड ब्लू व्हाइट पंप, किस तरह का पंप इसने फिक्स किया, ये यहाँ पर आपको लिखना है ना, ब्लू हो जाएगा। वायर्स ऑफ द कलर्स आर सीन इन द पिक्चर, मेनी वायर्स ऑफ द मेनी कलर्स और वन कलर, यहाँ पर आपको आपको ये आपको यहाँ पर आपको लिखना है ना, ये आपको लिखना है। द यंग मैन है यंग मैन वॉकिंग ऑन द पेवमेंट स्मूथ ब्रोकन, किस तरह का आपको पेमेंट है, स्मूथ है ब्रोकन है, वो आपको यहाँ पे लिख रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रिंग्स आर ऑन द पिंक क्लॉथ राउंड स्क्वायर, किस तरह का आपको रिंग है, ये आपको आपको लिखना है। नेमिंग वर्ड को जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स उसमें कहते हैं है ना। दीपक है यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, ये स्पेस प्रोवाइडेड में आपको दीपक जो है का डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। ब्रिलियंट, दीपक ब्रिलियंट है, दीपक स्मार्ट है ना, दीपक स्ट्रेट ब्लैक हेयर है, ओवल फेस है, स्मॉल ब्लू आईज है, ग्लासेस है, एलिजेंट है, दीपक इज हैंडसम, दीपक इज द कैजुअल क्लॉथ है ना, दीपक इज द स्लिम, दीपक इज द टॉल, दीपक इज द यंग है ना, फ्रेंड ऑप्टिमिस्टिक इजी गोइंग एक्सट्रावर्ट पॉपुलर हेल्पफुल, ये जो है किसी पर्सन का डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो इसमें आपको किस तरह का दीपक है वो आपको दीपक को डिस्क्राइब करता है दीपक का डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। इमेजिन योर दीपक द सुपरवाइजर इन कंस्ट्रक्शन साइट, सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन साइट में है। डिस्क्राइब द पीपीपी इन पिक्चर टू इम्प्लाई इन द साइट, यहाँ पर किस तरह का पीपी आपको पहना हुआ है वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है। द मैन इन द पिक्चर इज वीरिंग ए येलो, है ना, येलो, ये क्या येलो पहना हुआ है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है। ही इज वीरिंग ग्रीन,
ग्रीन क्या पहना हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है, ही हैंड्स आर प्रोटेक्टेड विद ग्रीन, ये क्या ग्रीन है ये आपको लिखना है ना। ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का आपको ये जो है बहुत ही अच्छा आपको दिया हुआ है, आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर रह जाएगा। द मैन इज ग्रीन शर्ट वॉज अराइव्ड फॉर वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट, है ना। ही इज वीरिंग ए येलो, क्या आपको आपको पहना हुआ है वो आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ही शूज आर इन कलर, ही शूज कौन सा कलर का है आपको यहाँ पर आपको आपको दिखाया जा रहा है। हिज हैंड्स आर प्रोटेक्टेड विद, उसका हैंड किस तरह आपको प्रोटेक्ट किया है ये आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा है। हिज आईज आर प्रोटेक्टेड, हिज आई किससे प्रोटेक्ट किया हुआ है आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको बहुत ही अच्छा आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने जो जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है जाने के लिए आपको वर्क पे ये आपको यहाँ पर आपको दिखा हुआ है ना। ट्राई टू यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब यू, जैसे अभी अभी यहाँ पर आप डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे दिखाया गया था ना, ये दीपक का, दीपक इज ब्रिलियंट, उसी तरह अपने को डिस्क्राइब करते हुए सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड आप यहाँ पे लिखिए। अपीयरेंस किस तरह का है, कलर ऑफ आईज किस तरह का है, हेयर किस तरह का है, हैंड्स किस तरह का है, लेग किस तरह का है, नोज किस तरह का है, ये आप यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए, है ना। बहुत अच्छा आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड से आपको यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड से आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन पेयर्स आपको पेयर्स में आपको दिया हुआ है ना, ये आपको पेयर्स में आपको यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिया हुआ है। आइडेंटिफाई देम, से देम अलाउड एंड मेक ए लिस्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, फर्स्ट वन आपको यहाँ पर आपको किया हुआ है, आपको आपको जो है आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर आपको 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 जो लिखना है ना। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्लीन डर्टी, स्लो फास्ट, कोल्ड हॉट, है ना, हार्ड सॉफ्ट, कर्ली स्ट्रेट, लाउड क्वाइट, स्मूथ प्रिकली, स्वीट सॉर, यंग ओल्ड, हेल्दी वेल, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा जो नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। सर्किल द डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब यू द बेस्ट, नॉट इट डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आई एम नॉट लेजी एट ऑल, हु आर यू लाइक, I am extremely talkative. What are you like? है ना? What are you like? Quite, very, extremely. यहाँ पर आपको ranking दिया हुआ है, आपको किस तरह का जो है आपको describing word आपको होगा ये आपको यहाँ पर आपको describe करने के लिए आपको दिया हुआ है। Note down the space provided. ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। Hard working. Gorgeous. Selfish है, lazy है, tedious है, these are the, ये सारे words को ना ये पोलाइट है, रूड है, बेड टेम्पर्ड है, गुड टेम्पर्ड है, किंग केयरिंग हेल्पफुल है, मीन है, इंटेलिजेंट क्लीवर है ना। तो ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर आपको आपको दिया हुआ है, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है डिस्क्राइब किया जाता है, इंग्लिश को पकड़ने का आपको इंग्लिश कैसे बोला जाए वो आपको बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए साइज कैसे कैसे करते हैं, ये साइज के जितने वर्ड जो है ना डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, हैवी, लाइट, बिग, स्मॉल, लिट, टीनी, टॉल, शॉर्ट, फैट, स्केल्टल, जेंट, लॉन्ग, अंडरवेट, वाइड, ये सारे आपको दिया हुआ है। शेप को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरह का शेप है, शेप को डिस्क्राइब करने के लिए राउंड है कि स्क्वायर है कि स्ट्रेट है कि ट्रायंगुलर है कि ओवल है कि स्लीक है कि ब्लॉबी है, ये इलेप्टिकल है, ये सारे आपको शेप को डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड आपको दिए हुए हैं, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये सारे आप याद कर लीजिए सबसे बढ़िया है। कलर को डिस्क्राइब करने के लिए पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, येलोइश, ब्लू, डार्क,
ग्रीन पर्पल, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। तो ये सारे वर्ड्स को आप ये याद कर लीजिए, स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए, क्विक है, फास्ट है, स्लो है, स्विफ्ट है, स्पीडिंग है, रस्सी है, हेस्टी है, बसलिंग है, रैपिड है, स्नैपी है, ब्रीफ है, स्प्रिंगी है, ये किस तरह का स्पीड है, सभी का यहाँ पर आपको आपको ये 12 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, उससे आपको आपको पता चल जाएगा कि जो है आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको होता क्या है ना। ये आपको जो है हाँ, ये इससे जो है शेप को डिस्क्राइब करने के लिए, कलर को डिस्क्राइब करने के लिए, साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वालिटी आपको बढ़िया होना चाहिए। क्वालिटी जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, क्वालिटी किस तरह का है, क्वालिटी पे ही कस्टमर जो है आपको अट्रैक्ट होता है, कस्टमर जो भी है आपको क्वालिटी पे अट्रैक्ट होता है, इसीलिए क्वालिटी आपको इंपॉर्टेंट है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा तो आपका एलवेज जो है ना वो आपको आपको जो है आपको जो है आपका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा। अगर क्वालिटी आपका सही रहा ना तो कभी भी आपका बिजनेस जो है आपको डाउन नहीं जाएगा। तो ये आपको डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स है, सराउंडिंग है एंड प्रोसेसेस है ना। तो ये आपको नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए बताया जा रहा है, सराउंडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए बताया जा रहा है, और प्रोसेसेस को आपको डिस्क्राइब करने के लिए आपको यहाँ पर आपको आपको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ना। तो ये आपको डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग, लिंकिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड्स आपको यूज होते हैं। ये सारे वर्ड्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। सिलिंड्रिकल है ऑब्जेक्ट की फ्लैट है कि लॉन्ग है कि शॉर्ट है कि बिग है कि स्मॉल है कि शार्प है कि ब्लंट है कि सर्कुलर है कि स्पाइरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है कि ट्रायंगुलर है, राउंड है कि नैरो है, कि ब्रॉड है कि ग्रीन है, कि रेड है कि रफ है, कि स्मूथ है कि टफ है, कि राइफ है कि एडजस्टेबल है। ये आपको डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट के लिए आपको सारे वर्ड आपको दिए हुए, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, नियर है, अपोजिट है, फार है, इन फ्रंट ऑफ है, बिहाइंड है, ये सारे वर्ड आप डिस्क्राइब याद कर लीजिएगा ना, तो सराउंडिंग को बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकते हैं। एट द क्रॉस रोड, बीजी, क्लोज, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है। लिंकिंग वर्ड्स है ना, लिंकिंग वर्ड, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, नेक्स्ट, लेटर, देन, आफ्टर, दैट, आफ्टर ए व्हाइल, फाइनली, लास्टली, इन द एंड, एट द लास्ट, ये आपको यहाँ पर आपको लिंकिंग वर्ड, एंड देन आर द कॉमन लिंकिंग वर्ड्स, ये सारे आपको कॉमन लिंकिंग वर्ड्स है। पैटर्न ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस, देयर इज आर, देयर आर, इट इज, इट हैज, इट कंसिस्ट ऑफ, है ना। तो ये आपको हाँ, ये आपको पैटर्न ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो जो वर्ड यूज होते हैं, ये सारे वर्ड का आपको नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कैसे जो है ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है, सराउंडिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करना है ना। तो ये इसके बारे में आपको दिया हुआ है ना। डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्क्राइबिंग करने के लिए आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इज दिस ए 31 इंच लार्ज रेन शोवर सेट, यस इट इज, इट इज मेड ऑफ द 301 स्टेनलेस स्टील, 304 स्टेनलेस स्टील का ये आपको बना हुआ है। किस मटेरियल का आपको बना हुआ है, इट हैज एन एलईडी रेक्टेंगल रेसेस सीलिंग अमाउंट विद द दिस वन, इट ऑल्सो हैज द 4 एडजस्टेबल जेट नोजल्स फॉर द पावर मिस्ट मैसेज, ये आपको आपको दिया हुआ है ना। डिड यू एनी ऑरेंज कार लीव योर सर्विस सेंटर 15 मिनट्स एगो, ये इंस्पेक्टर कह रहा है, ये कह रहा है, यस देयर वाज वन, इट हैज ए सोलरिस ऑरेंज मिनी कूपर ए 4 सीटर convertible, it is stopped here to check air pressure in the tire,
है ना। तो ये आपको डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आपको डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग, सराउंडिंग जो को डिस्क्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे आपको बता रहा है, वेयर हाउसेस है ना, स्टैक मटेरियल आपको डिलीवरी है, एक फैक्ट्री का आपको लेआउट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैचिंग गार्ड लिफ्टेड, फॉर्कलिफ्ट स्टैक, टू है पर्सन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द फॉर्कलिफ्ट, ये आपको दिखा रहा है। एक फैक्ट्री के बारे में आपको ये आपको बता रहा है, ये फैक्ट्री के बारे में ये आपको बता रहा है, माई फैक्ट्री सिचुएटेड अपोजिट टू ए वार्क, ए वार्क इज ए स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द शोर ऑफ द स्ट्रीम और द हार्बर, द विसिल लाई एट रेस्ट, लोड और अनलोड थिंग्स आर देयर, देयर इज हॉस्पिटल नियर द फैक्ट्री, देयर इज ए पेट्रोल स्टेशन इन द एरिया ऑफ द हाफ किलोमीटर डिस्टेंस, ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इट इज ए बिजी प्लेस, देयर आर मेनी ट्रैफिक सिग्नल ऑन द वे, दिस इज ए वेयर हाउस वेयर गुड्स आर स्टोर, देयर आर द फाइव वर्कर्स हु आर बिजी विद देयर जॉब, पांच वर्कर्स है जो आपको जो है आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ का जो प्लेस है इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, एक पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है, देयर आर द 8000 लिस्टेड इन द पिक्चर, 8000 से जो आपको पिक्चर में आपको लिस्टेड है, फर्स्ट देयर इज रबिश ऑन द ग्राउंड, सेकंड देयर आर द अनसिक्योर्ड केमिकल इन द सिलेंडर कंटेनर, जो केमिकल में अनसिक्योर्ड केमिकल है वो आपको सिलेंडर कंटेनर्स में आपको यूज हो रहा है, देन द मशीन गार्ड इज ओपन, द नेक्स्ट हजारड इज द वाटर लीक फ्रॉम द ड्रेन, है ना, ए वर्कर कैरिंग लोड इज वॉकिंग टुवर्ड्स इट, देन द पैलेट्स विद द लोड्स आर ब्लॉकिंग द एग्जिट, द लोड्स आर नॉट स्टेकड प्रॉपरली, है ना, ये आपको डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस है ना, प्रोसेस को आपको यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में आपको दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ मैंगो मिल्क शेक यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे, फाइनली क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, ये डिस्क्राइबिंग प्रोसेस के बारे में आपको बता रहा है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द एनी मशीनरी दैट टू बी टेकन प्लेस, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं इंडस्ट्री में उसको डिस्क्राइब जो है कैसे करेंगे स्टेप वाइज, ये आपको यहाँ पे आपको बता रहा है ना, टेक ए ब्लेंडिंग जार और ए जूस जार, देन पुट द पाइप मैंगो स्लाइसेस इनटू द जार, नेक्स्ट एड सम राइस क्यूब्स एंड द शुगर, आफ्टर दैट पावर बॉइल्ड चिल्ड मिल्क इनटू इट, एंड ही क्लोज द लीड एंड ब्लेंड इट वेल फॉर द 2-3 मिनट्स, नाउ पोर इट इनटू द सर्विंग ग्लासेस, है ना, ये आपको मैंगो शेक बनाने का ये प्रोसेस आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, हाउ टू डिस्क्राइब द प्रोसेस, ये आपको एक एग्जांपल दे दिया गया है, इंडस्ट्री में स्क्रू बनाइएगा उसके क्या क्या प्रोसेस होंगे, लेथ मशीन में काम कीजिएगा उसका क्या क्या प्रोसेस है, ये आप प्रोसेस जो है आप डिस्क्राइब करके कीजिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। तो ये आपको डिस्क्राइबिंग आपको दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट वन इज देन, ये आपको हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, स्पेड शोवल प्लम्ब ऑफ फैन ब्रांच व्हील बैरो रैक ब्रांच स्पीड स्क्वायर, ये आपको आपको दिया हुआ है ना, ये आपको ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ए डिवाइस कंसिस्टिंग ए सीरीज ऑफ द फैंस ब्लेड अटैच टू द इट एंड रिवॉल्विंग विद द सेंट्रल हब टू प्रोड्यूस ए करंट ऑफ द एयर, ये कौन सा ऑब्जेक्ट आपको करेगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट करेगा, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन करता है, और ये ऑब्जेक्ट से आपको मैचिंग आपको करना है उसके बारे में आपको लिखा हुआ है, एक का इसने मैचिंग करके दिखा दिया और दूसरे वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपको उसका जो है आप जो है डिस्क्राइब कीजिए, वो सारे बारे में आपको आपको बताया हुआ है ना, है ना, ये टूल हैज ए बार ऑफ द मेटल विथ फिक्स्ड और एडजस्टेबल जॉ फॉर ग्रिपिंग एंड टर्निंग ओवर और ट्विस्टिंग द हेड ऑफ ए बोल्ट एंड
ए नट और ए पाइप, है ना, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड है, आपको डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ये आप जो है मैचिंग कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा आपको आपको डिस्क्राइबिंग करने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, इट इज ए टाइल्स ओ, इट इज ऑफ ए वायर, ए टफ ब्लेड और चैन विथ ए हार्ड टूथ एज, इट इज फॉर कटिंग मटेरियल लाइक वुड एंड सेरामिक, है ना, इट इज ए यूज फॉर कटिंग मटेरियल लाइक वुड एंड सेरामिक, ये आपको यहाँ पर आपको आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पर आप फिलअप कीजिए और इसे आपको आइडिया लग जाएगा। टिपिकल ब्लेड शेप आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ब्लेड शेप इन द पिक्चर द फर्स्ट वन इज द शेप ब्लेड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्वायर ट्रेंच, द नेक्स्ट वन इज द शेप ब्लेड विच इज फॉर मेकिंग राउंड ट्रेंच, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फिल इन द कॉलम्स विद द डिटेल्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसका शेप बताइए, उसका साइज बताइए, उसका कलर बताइए, उसका मटेरियल बताइए, उसका यूज बताइए, आप डिस्क्राइब कीजिए, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कीजिए, आपको बिल्कुल जो इंग्लिश है वो आपको आपको क्लियर हो जाएगा। हैमर किस तरह का है, उसका शेप किस तरह का है, साइज किस तरह का है, व्हाट टाइप ऑफ द साइज इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ द कलर इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ द हैमर इज देयर, व्हाट यूज ऑफ द हैमर इज, टूल बॉक्स का आपको शेप के बारे में बताना है, व्हाट इज द साइज इज देयर, व्हाट इज द कलर इज देयर, व्हाट इज द मटेरियल इज देयर, व्हाट इज यूज इज देयर, ये आपको बिल्कुल आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको जो है आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, वाटर बोतल है, स्पीड स्क्वायर है, वाटर हीटर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, इंडक्शन स्टोव है, नीडल है, बॉबिन है, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे आपको लिखना है, बेड का आपको जैसे बता दिया, इट इज ए रेक्टेंगुलर इन शेप एंड बिग इन साइज, इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज मेड ऑफ द कॉटन, इट इज यूज्ड फॉर स्लीपिंग, सिमिलरली यू राइट ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, है ना, टीवी के बारे में लिखना है, मड पोर्ट के बारे में लिखना है, वाटर बोतल के बारे में लिखना है, वाटर हीटर के बारे में लिखना है, हैमर के बारे में लिखना है, वॉशिंग मशीन के बारे में लिखना है, माइक्रोवेव ओवन के बारे में लिखना है, इंडक्शन स्टोव के बारे में लिखना है, नीडल के बारे में लिखना है, बॉबिन के बारे में लिखना है ना, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन प्रोसेस के बारे में ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन यूजिंग द पिक्चर क्लूज गिवन, आपको पिक्चर क्लू आपको दिया हुआ है, यहां पर आप डिस्क्राइबिंग वर्ड आप इसको फिलअप कीजिए, आई एम वर्किंग इन ए होटल, है ना, इट इज एट द सेंटर ऑफ द सिटी, है ना, ये जो है स्काई स्क्रेपर, ये आपको होटल है आपका, है ना, ये आपको आई एम वर्किंग इन ए होटल एज आप वहां पे लिखना है, इट इज सिचुएटेड ऑन द मेन रोड नियर, ये आपको लिखना है, द होटल इज इन इज ए टॉल बिल्डिंग, ये आपको होटल है, ये आपको पार्क है, ये सारा का आपको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके आपको यहाँ पर आपको लिखना है, ये आपको स्कूल है ना, स्कूल के बारे में ये बहुत अच्छा आपको आपको दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, स्कूल के ऊपर में जंगल है ना, हाँ ये आपको वुड दिया हुआ है, स्कूल के ऊपर में आपको ये जंगल दिया हुआ है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है आप डिस्क्राइब कीजिए, ये पूरा प्लेस के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो उसके बारे में आपको जो है आपको डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर आप कर सकते हैं, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड है, डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ द सिटी सेंटर इन द गिवन पिक्चर, ये जो आपको ये आपको The city center is surrounded by many, many buildings. There is opposite them. इसके बारे में आपको describe करता है. ये school है ना? ये सारे city center का आपको describing करने के लिए आपको यहाँ पर आपको बता रहा है. है ना? ये आपको describing करने के लिए
आपको यहां पर आपको बता रहे है ना, रिराइट द लाइफ साइकिल प्रोसेस। ये आपको लाइफ साइकिल प्रोसेस ऑफ ए सिल्क वॉर्म यूजिंग द लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स को यूज करके, लिंकिंग वर्ड्स भी आपको आपको बताया गया था लिंकिंग वर्ड, तो लिंकिंग वर्ड को यूज करके ये जो है सारा आपको यहाँ पे आपको लिंकिंग वर्ड के यूज करके आपको लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म का आपको डिस्क्राइब किया गया है। द फीमेल मंथ लेज मेनी टीगिक्स, ए टीनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स, सबको डिस्क्राइब किया गया। द कैटरपिलर ईट्स मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिगर एंड बिगर, द कैटरपिलर स्पिन्स ए कोकोन और सिल्क थ्रेड्स अराउंड इट। तो सिल्क वॉर्म कैसे कैसे आपको होता है फ्रॉम द एग्स, है ना, ये एक एक स्टेज आपको यहाँ पर प्यूपा बनता है और फिर यहाँ पे आपको एडल्ट होता है। द एडल्ट मंथ मेथ मी चेतदर, है ना, ये आपको सारा आपको आपको लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है ना, लिंकिंग वर्ड के साथ में। ईग है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, ये आपको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर आपको, ये आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड से आपको डिस्क्राइब किया हुआ है ना। सिमिलरली आपको यहाँ पे लिंकिंग वर्ड से लाइफ साइकिल ऑफ ए मोट सुटेबल, ये आपको यहाँ आपको लिंक किया गया है। एडल्ट मोथ, फीमेल मोथ, ईग्स, लार्वा, कोकोन, ये आपको डिस्क्राइब किया गया है ना। यहाँ पर जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, आप इसको आप भरिए, आपको पूरा आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये जो वर्कबुक है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये जो है आप इसको भरिए, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश बहुत कुछ जो है आपको जो है इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, है ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग एप्पल मिल्क से, एप्पल मिल्क सेल के लिए अभी हमने मैंगो मिल्क सेल का आपको एग्जांपल बताया था, उसी तरह जो है एप्पल मिल्क सेल कैसे बनेगा उसका प्रोसेस आप यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए, आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह इंडस्ट्री में कई प्रोसेस होते हैं, कोई पार्ट बनाते हैं लेथ मशीन में, उसको डिस्क्राइब करना है स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे वो डिस्क्राइब होगा उसको आपको लिखना है, है ना। ये आपको प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करने के लिए ये आपको यहाँ पर आपको आपको दिया हुआ है ना। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स शेप, साइज, कलर एंड इट्स, यू विल बी एबल टू क्लियर दैट द हाउ द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्क्राइब, हाउ द प्रोसेस विल बी डिस्क्राइब, प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, सराउंडिंग्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, है ना। तो ये जो है हम लोगों ने आज जो है उसको सीखा कि हाउ टू डिस्क्राइब द प्रोसेस एप्पल मिल्क शेप यहाँ पर कैसे बनेगा, एक एक करके आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे जो है प्रोसेस को। सिमिलरली आप लेथ मशीन में कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको डिस्क्राइब कीजिए स्टेप बाई, ये आपको कैसे बनेगा, तो आपको इंग्लिश क्लियर हो जाए। ड्रिल मशीन में स्टेप कैसे कोई ऑब्जेक्ट को ड्रिल करेंगे, होल करेंगे, यू हैव टू बी राइट फर्स्टली सेकेंडली आफ्टर दैट राइट द ऑल द प्रोसेस, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मिलिंग मशीन में यू हाउ टू डिस्क्राइब वन बाय वन स्टेप, ये आपको आपको क्लियर हो जाएगा। यस सर, है ना, ये आपको प्रोसेस का आपको डिस्क्रिप्शन, आप जो है आप दो चार प्रोसेस का लेथ का और कोई जॉब बनाने का जो प्रैक्टिकल फाइल में जॉब बनाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, जॉब का स्टेप्स आप लिखिए कि प्रैक्टिकल फाइल में कैसे कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द फाइलिंग ऑफ ए, पहला प्रैक्टिकल फाइलिंग का है, फाइलिंग का प्रोसेस बनाने का आप उसमें लिखिए, आप जो है आपका स्टेप बाय आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये आपको लाइफ साइकिल आपको दिया हुआ है, आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है, ये सराउंडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है कि इन ए सिटी सेंटर में दीज आर द थिंग्स आर देयर, हाउ टू डिस्क्राइब द सिटी सेंटर उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इन ए सिटी सेंटर व्हाट आर द थिंग्स आर देयर,
and how to describe the city center, that is to be given and the written here. Here is also, यहाँ पर आपको complete आपको जो picture दिया हुआ है, picture को आपको describe करना है और यहाँ पर आपको लिखना है, picture को देख के लिखना है, ये आपको describing words आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा आपको दिया हुआ है. और object को description लिखना है, टीवी किस तरह का है, मड पॉट किस तरह का है, वाटर बॉटल किस तरह का है, दो तीन लाइन उसमें आप जो है, हैमर किस तरह का है, माइक्रोवेव ओवन किस तरह का है, है ना, yes, दो तीन लाइन में डिस्क्राइब करिए और ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा. इंग्लिश लिटरेसी आपको, इंग्लिश आना बिल्कुल क्लियर हो जाए. इसी yes, तरह यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको गिवन डिटेल में शेप लिखना है. यही पांच सर. हाँ वो बताइए. हाँ सर, ये बोल रहे थे ना. हाँ, कोई इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है अगर कोई कंपनी सेलेक्ट करती है, फिर कोई इंटरव्यू में आपको जॉब से रिलेटेड ही पूछेगा. अच्छा, जॉब से रिलेटेड ही, या फिर आईटीआई से कुछ रिलेटेड जो पढ़ाया गया था. बिल्कुल, आपको टेक्निकल नॉलेज आपको क्लियर होना चाहिए. अच्छा अच्छा, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. जैसे आपका फिटर है तो फिटर का जो टेक्निकल नॉलेज है वो और होना क्लियर होना चाहिए. क्या क्या जो फिटर है ना, फिटर में जो जो सब्जेक्ट्स हैं, तो वो टेक्निकल नॉलेज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ओके, है ना. जैसे अगर बहुत बहुत सारी कंपनी मारुति सुजुकी सब में लगाती है ना. हाँ हाँ, कंपनी क्या प्लेसमेंट, तो ये सब में क्या पूछा जाता है, वही सब पूछा जाता है ना. हाँ वही वही, बिल्कुल टेक्निकल. मारुति सुजुकी में जो है वो आपको टेक्निकल देखता है कि टेक्निकली उसको कितना साउंड है. लेथ मशीन के पूरे पार्ट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए, कई वीडियो मैंने बना के भेजे हैं. ड्रिलिंग मशीन का भी मैंने भेजा हुआ है, मिलिंग मशीन का भी भेजा हुआ है ना. और उसके अलावा भी मैंने कई वीडियो मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे मैं जो है अपलोड कर देता हूँ. वो एक्स्ट्रा है. फिटिंग के लिए जो है आपका फिटिंग टूल का कितने तरह के हैं, है ना, तो वो आप लेक्चर वीडियो आप मेरा देख लीजिए, आपको बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए आपको सेटिस्फाई हो जाए. जितना भी मैं आपको वीडियो भेजता हूँ ना, वो इंडस्ट्री दिया हुआ है ना. टेक्निक क्वेश्चंस. हाँ, क्या कह रहे हैं? टेक्निक क्वेश्चन सारा उसमें दिया हुआ है ना, या फिर उसका कोई बुक आता है? नहीं, बुक तो आता ही है, बुक तो आता ही है. तो एक मैंने बुक भेजा भी है कुछ दिन पहले, प्रैक्टिकल का मैंने बुक भेजा है. नहीं नहीं, वो टेक्निक का, टेक्निक क्वेश्चंस का. हाँ हाँ हाँ, टेक्निकल का, प्रैक्टिकल के जितने रिलेटेड उसमें जॉब्स वगैरह बनते हैं, वो बुक भी मैंने आपको जो है व्हाट्सएप किया हुआ है. तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं. अच्छा अच्छा, हमको भेजे. वो लैथ का सब मशीन सर खत्म हो गया सर प्राय? नहीं 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 नहीं, लैब का अभी देखिए जो है, लेथ का तो वो आपका क्लियर हो गया, लेथ का तो खत्म हो गया. मोबाइल कुछ खराब हो जाने के कारण जो है सर नहीं ज्वाइनिंग कर पा रहे थे. अभी भी आधा घंटा से कर रहे थे, आवाज ही नहीं आ रहा था आपका कुछ. अच्छा, हम कनेक्ट करके करके फिर काट के फिर लोड करके फिर एप्स साइड से लोड किए, वो बोला जो आप आईडी भेजते हैं उसके बाद फिर ये जूम मीटिंग लोड हुआ, फिर अभी आवाज आया. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज ही नहीं आ रहा था. हाँ 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 हाँ, तो लेथ का मतलब पूरा क्लियर हो गया. हाँ, लेथ का जो है पूरा आपको क्लियर हो गया. वो जो है 7 एपिसोड में उसको आपको बनाया गया है. आप उसको बार बार जो है आप वीडियो उसको देख लीजिए, आपको लेथ का बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा. जितने ऑपरेशन किए हुए हैं. हाँ, क्या पढ़ा रहे हैं सर सब? अभी ये पढ़ा रहे हैं सर सब, ये है इम्प्लायबिलिटी स्किल्स. इम्प्लायबिलिटी स्किल्स में आपको बिहेवियर स्किल्स है और इंग्लिश स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है और कंप्यूटर स्किल है. ये चार चीजें इम्प्लायबिलिटी स्किल्स में है कि इम्प्लायबिलिटी के लिए ये आपको जरूरी है, क्योंकि सारा बुक्स आपको इंग्लिश में होता है. सारा नाम जो देख रहे हैं, मशीन का नाम देख रहे हैं आप, लेथ के जितने भी पार्ट्स का नाम देखे आप, सारा इंग्लिश में है. तो इंग्लिश जानना जरूरी है. जितने भी टूल का नाम देख रहे हैं वो आपको इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश जानना आपको जरूरी है. तो वो इम्प्लायबिलिटी स्किल्स जो हर एक ट्रेड के लिए आपको जरूरी है, वही मैं आपको अभी लेक्चर शुरू किया था इम्प्लायबिलिटी स्किल्स का.
जिससे कि इम्प्लायबिलिटी स्किल्स आपको क्लियर हो जाए। पहले भी किए थे सर? हाँ, इम्प्लायबिलिटी स्किल्स का पहले भी किया हुआ था, शुरू मैंने किया था, फिर उसके बाद आपको लेथ का पार्ट आपका रह गया था तो फिर मैंने लेथ का शुरू किया, है ना। तो ये तो आधा से चल रहा है क्लास में। हाँ हाँ, आप बीच में चले गए थे ना, तो लेथ का मैंने बंद कर दिया था। हाँ हाँ, तो फिर आप आए तो फिर मैंने मोबाइल प्रॉब्लम हो जाने खराब हो गया था सर। हाँ, फिर मैंने लेथ का आपका सारा मैंने क्लियर किया। ये जो क्लास, अच्छा, लेथ का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है सर। हाँ, ये इम्प्लायबिलिटी स्किल्स है, ठीक है सर। ये कितना दिन हुआ सर चालू होने से? अभी इसके भी हम लोगों ने दो तीन दिन हुआ चालू होने से, तीन क्लास कर चुके हैं। हाँ हाँ, तीन क्लास हम लोगों ने कर चुका है, नेमिंग वर्ड तीन दिन करते। हाँ हाँ, इसका भी वीडियो भेजा हुआ है, इसका भी जो है ना वीडियो जो है भेजा हुआ है, है ना। आकाश जी रेगुलर जो है ये ज्वाइन कर रहे हैं, और ये भी जो है आपको ये जगह है, इसका भी वीडियो भेजा हुआ है, इसका वीडियो भेज दीजिए। और ये जो